हेलो, इस समय मैं दिल्ली एयरपोर्ट T3 टर्मिनल में हूँ। तमिलनाडु जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। 8 बजे की फ़्लाइट है। अभी बज रहे हैं 7:05। 5 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे। बहुत धीरे धीरे सारा प्रोसेस करवाया तो अब फाइनली निकले हैं अपने गेट तक जाने के लिए। जब से डिजी यात्रा स्टार्ट हुआ है ना, एयरपोर्ट में सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। आप अगर ज़्यादा लगेज लेके नहीं जा रहे, मतलब स्पेशली हमारे जैसे गैजेट्स जैसी आइटम आपके पास नहीं है, तो 1.5 घंटे में चेक इन प्रोसेस आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने गेट पे बोर्ड करने के लिए तैयार हो गए। चलिए जी, बस 5 मिनट में गेट तक पहुँचते हैं। इस समय दिल्ली में 18 डिग्री टेम्परेचर है। हम लोग त्रिवेंद्रम पहुँचेंगे, कन्याकुमारी, मदुरई, रामेश्वरम, इन सब सब जगहों पे जाने वाले हैं। वहाँ पर हमको टेम्परेचर 26 डिग्री से 28-29 की रेंज में मिलने वाला है। तो ये वुलन्स हमारे सिर्फ दिल्ली तक ही हैं। आज से लगभग 5 साल पहले जब मैं तमिलनाडु गया था, तब केवल हमने चेन्नई में सफ़र किया था और महाबलीपुरम गए थे। आज इतने साल बाद वापस तमिलनाडु का सफर, ये बहुत एक्साइटमेंट भरा होने वाला है। लास्ट वीक मैंने तीर्थंकर नाम की ना ये किताब खरीदी है। गीता प्रेस इसके पब्लिशर हैं। हमारे देश के जितने भी तीर्थ हैं ना, सबके बारे में इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने सोचा कि इसको अभी सफ़र में जब जब टाइम मिलेगा पढ़ता रहूँगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हम कहीं जाने से पहले कितनी रिसर्च करते हैं। ऑनलाइन तो मैं पढ़ता पढ़ता हूँ, और जब मौका लगता है मैं बुक्स भी परचेज कर लेता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ। ये है कि टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि घर में पढ़ नहीं सका तो मैं साथ ले आया हूँ। अब यहाँ पर देखो, रामेश्वरम और उसके आसपास के तीर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये 2 पेज की इंफॉर्मेशन है, और इसके आगे मीनाक्षी मंदिर के बारे में भी है, मदुरई। हम इन सब जगहों में जाने वाले हैं। तिरुवनंतपुरम हम लोग पहुंच गए हैं। एंथनी जी हमें तमिलनाडु घुमाने वाले हैं। जब मैं दिल्ली से चला था तो 18 डिग्री टेम्परेचर था। यहाँ पर आए हैं तो मेरे को जैकेट उतारना पड़ेगा। टेम्परेचर 30 बोल रहे हैं यहाँ पर अभी है, हाँ सर। तो 12 डिग्री का फ़र्क आ गया, 12 डिग्री। मैं तो वैसे आज हाफ स्लीव ही पहन के आया था, मुझे मालूम था कि हाफ स्लीव ही चलेगी। पहले मैं सोच रहा था हम पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जाएं, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि 12 से 4 तक टेम्पल बंद रहता है, तो अभी हमको ये विजिट ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ सर। तो एक चीज़ बताइए हाँ। कि यहाँ से अब हम पहले कहाँ जाएँ, शीट के हिसाब से पहले थिरुपरप्पू फॉल जाएँ या कोवलम? पहला कोवलम सर, फिर त्रिफर फॉल्स, फिर कोवेरा टैंग, बदमाश मथुरा एक्वेडक्ट, मथुरा का टैंग, फिर बदमाश पैलेस, फिर नागरकोइल सर। अभी टाइम क्या हो रहा है आपका? 11:50। 11:50 सर। 11:50 का मतलब है ये तो लेट हो जाएगा फिर लंच। हाँ सर, ऐसे लंच करते करते तो नागरकोइल पहुंचने में 5 o'clock हो आप हो जाएगा, जाएगा आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। तो इसमें जो आउट ऑफ द वे है वो वाटरफॉल है? हाँ सर, जो रूट के एकदम बाहर है। हाँ, वो थोड़ा अंदर, अपन को फॉल्स के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, वो अकोरा टैंक भी उसके बाजू में ही है चलो सर। एक काम करते हैं, फॉल्स को ड्रॉप करते हैं। हाँ ठीक है सर। कोवलम के बाद हम मथुरा एक्वेडक्ट चलते हैं। हाँ टाइम रहेगा तो पद्मनाभमपुरम ओके सर, पैलेस चलेंगे। ठीक है अगर सर। लगा कि ज़्यादा लेट हो रहा है हाँ तो हम लोग नागरकोइल चले जाएंगे। हाँ ठीक है सर। और वैसे यहाँ से कन्याकुमारी 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर्स है, कितना, 1.5 आवर या 2 आवर्स? हाँ 2 आवर्स लगेगा सर, 2 आवर्स मैक्सिमम। देख लो, ये ऐसे हम शीट कैरी करते हैं। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, इसमें बाहर एक समरी शीट होती है और उसके बाद इंडिविजुअल डे बाय डे क्या करने वाले हैं। जैसे अभी मैंने शीट खोली हुई थी ना कि आज हम जाने वाले हैं, फिर नागरकोइल के बारे में लिखा हुआ है। और फिर देखो, जैसे यहाँ पे तिरुनेलवेली जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या क्या करने का प्लान कर रहे हैं, और साथ में बड़े सारे पेजेस और भी होते हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है इस टूर से जुड़ी हुई। तो ये मैं गाड़ी में ना चलते हुए बीच बीच में पढ़ते रहता हूँ, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाती है और साथ में हर चीज़ टॉप ऑफ द माइंड आ जाती है कि अब हमारा रूट ये है। चलो आओ जी।
कोवलम बीच हम पहुंच गए हैं। आते सार मैंने सबसे पहले अपने लिए नारियल पानी ले लिया, 50 रुपए का नारियल पानी मिल गया। अब यहाँ से समुद्र बैठ के देख रहे हैं। आज 13 दिसंबर है, सन इस समय सिर के ऊपर है, तो ये तो नहीं कह सकते गर्मी लग रही है, लेकिन शाम के समय आना बेटर है। मतलब दिसंबर महीने में भी आप दोपहर के समय अवॉइड करके शाम को आओ या अर्ली मॉर्निंग आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज से मैं 5 साल पहले कोवलम आया था, तब मैंने वीडियो भी बनाया था, तब हम लोग कन्याकुमारी भी गए थे, तो आज देखो दोबारा यहाँ पर आए हैं, काफ़ी साल हो गए ना। केरला में बहुत सारे सी बीचेस हैं, उनमें से ना कोवलम ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि बेस्ट बीच है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बीच है, और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर काफ़ी लोग ने जब आते हैं 2-4 दिन रुकते हैं तो आयुर्वेदिक मसाज करवाने के लिए रुक जाते हैं, मतलब बेसिकली ट्रीटमेंट भी हो जाती है। और शाम के समय अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हम बड़ा खूबसूरत सनसेट देख सकते हैं, और समुद्र के किनारे बहुत सारे होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रिजॉर्ट्स हैं, तो रहने की फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं जब लास्ट टाइम आया था तब भी मैंने नोटिस किया था, और आज भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस रीजन में घूमने आते हो तो एक ऑब्वियस चॉइस है कि आप तिरुवनंतपुरम उतरे हो तो वहीं पर रात को रुक जाओ, और कोवलम और पुवार घूमकर वापस आ जाओ। सेकंड कोवलम है, थर्ड पुवार है। मुझे लगता है रहने के लिए ना ये सबसे बढ़िया है। ऐसा है कि आप एक तरह से ना इन तीनों पॉइंट के बीच में हो, पुवार जाना है घूमकर वापस आ जाओ, तिरुवनंतपुरम घूमकर वापस आ जाओ, साथ में शाम का व्यू या अर्ली मॉर्निंग का व्यू आप तभी इंजॉय करोगे ना अगर रात को आप यहाँ रुके हो। सही, अभी तो देखो धूप तेज़ है तो वो बात नहीं आती जो शाम के समय आती है, बट फिर भी यहाँ पर आके ना हमारी मेमोरीज़ वापस ताज़ा हो गई हैं। समुद्र किनारे 5-10 मिनट टहल लेते हैं, फिर यहाँ से हम 1.5 किलोमीटर आगे लाइट हाउस विजिट करने जाएंगे, साथ साथ लाइट हाउस बीच भी देख लेंगे। अभी हम लोग ना लाइट हाउस विज़िट करने आए, तो लाइट हाउस तो अभी क्लोज्ड है, तो बाहर लिखा हुआ था क्लोज्ड फॉर मेंटेनेंस। लाइट हाउस के बगल में ही ना ये सी बीच का एक रास्ता है, देखो ये ऐसी ढलान है ना, यहाँ से अपन पैदल चलते चलते सामने समुद्र किनारे तक आ गए हैं। अब सोचो दोपहर के समय अगर इतने टूरिस्ट हैं यहाँ पर, तो शाम को जब सनसेट का टाइम होगा तो कितने लोग आते होंगे ना। लाइट हाउस बीच पे ना जितने इंडियंस दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही फॉरेनर्स भी हैं। ऐसा कहते हैं ना कि केरला का इंटरनेशनल बीच कोवलम है, और यहाँ पर टूरिज़्म तो बहुत साल से डेवलप है, मतलब समझ लीजिए कि 60-70 साल से भी ज़्यादा हो गए टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। लाइट हाउस के ठीक सामने वो पहाड़ के ऊपर, पहाड़ क्या मतलब रॉक्स के ऊपर एक टावर दिख रहा है ना, देखने से लगता है वो लाइट हाउस है। एक्चुअली वो लाइफ गार्ड के लिए वॉच टावर है, वहाँ खड़े होकर वो देख सकते हैं समुद्र में क्या एक्टिविटी हो रही है, और कोई समुद्र के अंदर तो नहीं जा रहा। एनीवेज जगह बड़ी प्यारी है, और एक चीज़ आप और नोटिस करो, बाहर की तरफ बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। तो अभी हम कोवलम साइड गए थे, वहाँ मुझे कैफ़े नहीं दिखे थे, लेकिन यहाँ पर कैफ़े बहुत सारे दिख रहे हैं लाइन में, और ये रिक्लाइनिंग चेयर्स लगी हुई हैं, और लोग बैठ के मस्त इन्जॉय कर रहे हैं समुद्र का व्यू, और ऊपर छतरी लगी है तो शैडो भी है। नाइस, ब्यूटीफुल व्यू। इनफैक्ट कोवलम का जो हमने व्यू देखा उससे बेटर तो मेरे को लाइट हाउस व्यू दिख रहा है। मैं अगर कंपेरिजन करूँ तो, अगर चूज करना हो तो दिस इज अ बेटर व्यू बीच। केरला के बारे में जब भी मैं कुछ सोचता हूं ना, मेरे को 2-3 चीज तुरंत दिमाग में आती हैं। नंबर 1 जिनमें है बैक वाटर बोट राइड। अभी यहां हम आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं, अल्पी आप जाओ तो हाउस बोट में रहो, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और जितना पॉपुलर अलपी का बैकवाटर बोटिंग है ना, उतना ही पॉपुलर पुवार का भी है। मेरे को याद है पिछली बार जब मैं आया था ना, तो पुवार का बोट राइड मैंने इतना एंजॉय किया था कि, मतलब वो मैंग्रोव के बीच से जब आप निकलते जाते हो ना, तो वो नेक्स्ट लेवल फील है। हम ना एक्वाडक्ट देखने पहुंच गए हैं, सामने से हमको जाना है, तो एक काम करते हैं पहले पाइनएप्पल ले लेते हैं।
कितने का है कॉस्ट? 20 रुपीस का। एक और दे दो, थोड़ी देर में वापस आके और भी लेते हैं। तो अभी फिलहाल आप लो। और यहाँ पे आप बता रहे थे रास्ते में पाइनएप्पल और क्या फेमस है? पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, रबर का ट्री सर। बहुत प्लांटेशन है। हाँ, तो जो सामने दिख रहा है आपको रबर का और जैक फ्रूट का सब मिक्स पड़ा हुआ है। ये बनाना भी है ना नीचे? ये जो है सामने जो दिख रहा है ये पहला पेड़। हाँ। ये जैक फ्रूट का है। अच्छा, बड़ा मस्त है। तो वो देखो 20 रुपए में कितना सारा दे दिया ना, अल्ट्रा रीजनेबल है। मीठा भी है, फ्रेश भी है, और ये जो मसाला डाला है इससे चटपटा टेस्ट भी हो गया। वैसे इतना सस्ता मैंने पाइनएप्पल आज तक कभी नहीं देखा। ये कह रहे हैं ये तीन बड़े पाइनएप्पल ले लो 100 रुपीस में, चार लेने हैं तो ये ले लो 100 में, और 9 लेने हैं तो ये 100 में ले लो। शहर में तो मिल रहा है 150 रुपीस का पाइनएप्पल। आपको मैंने बताया ना हम लोग यहाँ एक्वाडक्ट देखने आए हैं। ये है ये कैनाल, अभी अंदर चल के इसको अच्छे से देखेंगे। फिलहाल यहाँ से आप इसके दर्शन कर लो। ये कैनाल है, ये नदी के ऊपर से निकल रही है, इसके लिए इसको बोलते हैं एक्वाडक्ट। पानी अभी मूव कर रहा है, दिख रहा है ना मूव होते हुए। चलो पाइनएप्पल फिनिश करके आगे की तरफ चलेंगे। रबड़ का पेड़ भी देख लो, सामने कटोरा लगा हुआ है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो ऐसा पेड़ में से रबर निकलता रहता है, इधर लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, फिर दिन में एक बार आते हैं निकाल के ले जाते हैं। और यहाँ पर ना इनके पास हनी भी है, मैंने पता लगा लिया। कह रहे हैं 1 किलो हनी आपको 300 रुपये का मिल जाएगा। ये टिकट हमने निकाल ली है, 5 रुपये पर पर्सन टिकट लगती है अंदर जाने के लिए। आओ जी, के कामराज, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, द बिगेस्ट लार्जेस्ट ब्रिज इन एशिया, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ साउथ कुमारी। तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर यही रहे हैं, 3 टर्म सिलेक्ट हुए और उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब 9 साल तक ये एज अ चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु में रहे हैं। इनके जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो थे बच्चों के लिए मिड डे मील इम्प्लीमेंट करना। उस समय तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर पूरे इंडिया में नहीं हुआ करता था कि बच्चों को मिड डे मील दिया जाए, लेकिन तमिलनाडु में इन्होंने शुरुआत करी, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री फॉलोड। एजुकेशन में इन्होंने बहुत काम किया, बहुत स्कूल खोले, गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे बच्चे आए उनको यूनिफॉर्म दी जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, आओ पढ़ो। खुद ये पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, शुरू में बस 4-5 साल ये लोग ये स्कूल गए, उसके बाद फर्दर ये स्कूल नहीं जा सके। और इन्होंने ना डैम कंस्ट्रक्शन में बहुत काम किया। आज हम एक्वाडक्ट जो देख रहे हैं ना ये इन्हीं के पीरियड का बना हुआ है, और 9 साल के पीरियड में इन्होंने 9 या 10 डैम बनाए हैं। और तमिलनाडु में अगर आप एक्वाडक्ट देखना चाहते हैं तो ये अकेली जगह है जहाँ पर आपको एक्वाडक्ट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा वॉक करके आगे चलते हैं और रिवर भी देखते हैं जो इस एक्वाडक्ट के नीचे से जा रही है। यहाँ पर आके आज एक्वाडक्ट देख के ना दिल खुश हो गया। आप सोचो ना कैसी जगह हम खड़े हैं, क्या हमें सीनिक व्यू देखने को मिल रहा है। चारों तरफ घना जंगल है, नीचे नदी जा रही है, इसको बोलते हैं पैराली नदी, सामने आपको दिखाई दे रही ना। और उस तरफ तो कुछ लोग नहा रहे हैं नदी के अंदर, कितना मस्त इन्जॉय कर रहे होंगे ना। और ये एक्वाडक्ट है, और ऊपर ये पाथवे बना हुआ है जिस पे हम चल रहे हैं। ये होगा 3-3.5 फीट, और एक्वाडक्ट की जो चौड़ाई होगी ये भी होगी 5 फीट। गहराई तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अंदाज में 7-8 फीट होगी। तो कुल मिला के ये 7-8 फीट चौड़ा है पाथवे मिलाकर। दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल। एक्वाडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि नदी के ऊपर ये कैनाल है, नीचे नदी है। अब ये बनाया क्यों? क्योंकि हिल के पानी को ना इस पार पहुंचाना था इरिगेशन पर्पस के लिए। अगर कैनाल के ऊपर ड्रेनेज हो, मतलब कैनाल जा रही है और उसके ऊपर नदी जा रही है, तो उसको हम सुपर पैसेज बोलते हैं। तो ये हो गया एक्वाडक्ट। और अगर रिवर्स होता इसका, नदी ऊपर और कैनाल नीचे, तो हम उसको सुपर पैसेज बोलते हैं। आज खुशी इस बात की है कि मैंने पहली बार इतना ऊंचा कैनाल एक्वाडक्ट देखा है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में स्कूल या कॉलेज में हमने कहीं ना कहीं तो ज़रूर पढ़ा है, लेकिन एक होता है ना पढ़ना और उसके बाद फिजिकली आके देखना, अच्छा लग रहा है। मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली बोलूँगा कि अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो
तो आपको एक्वाडक्ट आके यहाँ विजिट करना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर पहुँचे हुए हमें लगभग 45 मिनट का टाइम हो गया। अब यहाँ से नागरकोइल चलेंगे, हमारा सफ़र कितना है 28 किलोमीटर का, तो रफली 45 मिनट्स। वहाँ पहुँच कर हम लेट लंच करने वाले हैं। वैसे तो इतना सारा पाइनएप्पल खा लिया तो लंच की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा लंच खा लेंगे। लंच का काम तो लंच से ही होता है। सही है, बहुत खूब। चलिए जी चलते हैं। एक बार के लिए मुझे लग रहा था कि हम नागरकोइल को ना स्किप कर देते हैं और सीधे कन्याकुमारी चलते हैं। फिर मेरे को लगा एक काम करते हैं, चल पड़ते हैं, कम से कम नागरकोइल दिखता कैसा वो देख लेंगे, साथ में काइंड ऑफ कुछ स्नैक्स खा लेंगे, क्योंकि लंच टाइम तो निकल चुका है, अब शाम हो गई है, कुछ देर में तो अंधेरा हो जाने वाला है। और यहीं पर हमने आर्य भवन आइडेंटिफाई किया। ये बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है, गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई है, सामने रोड तक चलेंगे। इन्होंने क्या किया, बड़े खूबसूरती से ना टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, जैसे आपको 12 बजे से 3 बजे तक क्या मिलेगा, 6 बजे से 9 बजे तक क्या मिलेगा, ऐसा करके इसको पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा कि आपके मतलब कि आइटम क्या है। एनीवेज, मैंने अपने लिए मशरूम मसाला डोसा लिया और पंकज भाई ने इडली सांभर लिया, बाकी टीम मेम्बर्स 10 मिनट के बाद खाएंगे। मशरूम मसाला डोसा वेरी गुड। ये देखो जी, अंदर से आपको थोड़ा सा स्टफिंग भी दिखा देता हूँ, मशरूम की स्टफिंग कैसी है अंदर, मस्त है ना। वाओ, मशरूम का जो मसाला है ना उसमें कुछ भी तीखापन नहीं है, हल्के मसाले हैं और नाइस ग्रेवी। सही हो गया, गुड चॉइस। ओह थैंक यू। इस सांभर में मालूम है खास क्या है, ये लोग जो चिल्ली यूज कर रहे हैं ना, जो सामने आप देख रहे हो, इसका फ्लेवर बहुत मस्त है। तीखापन नहीं है लेकिन फ्लेवर नेक्स्ट लेवल है। और कैसे बनाया सांभर, मैं तो वो हैरान हूँ, मतलब बड़े टाइम बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा मैं सांभर टेस्ट कर रहा हूँ जिसको टेस्ट करके ना तृप्ति हो गई है। बहुत खूब बना है। कॉफी में ना स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई है, बहुत मस्त टेस्ट है। चलिए जी, कॉफी फिनिश करके यहाँ से हम चल रहे हैं और अब कन्याकुमारी पहुंच के आपको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हमें कन्याकुमारी पहुंचने में कितना, आधा घंटा लगेगा। कन्याकुमारी हम पहुंच गए हैं। आपको मैं बताऊं, गाड़ी से जैसे ही मैं उतरा ना और यहाँ जो मैंने हवा महसूस करी है, इतना मज़ा आ रहा है। अभी 5 मिनट हुए हैं यहाँ पर आए हुए, इधर खड़े होके मस्त हवा चल रही है। ये आपको दिख रहा है ना, पेड़ झूमते हुए, टहनियाँ हिल रही हैं, पत्ते झूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दोपहर के समय हमने गर्मी देखी थी लेकिन अभी तो बहुत प्लेजेंट लग रहा है, मज़ा आ रहा है। सामने हमारी जो गाड़ी खड़ी ना उसके पीछे रिसेप्शन है, वहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, अब लगेज रूम में जाएगा। सामने जो आपको बिल्डिंग में कुछ रूम्स दिखाई दे रहे हैं ना, बेसिकली बैल्कनीज दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स हैं, एसी भी है नॉन एसी भी है। यहाँ से सी दिखाई देता है, सी बहुत ज़्यादा दूर तो है ही नहीं, मुश्किल से 80 मीटर पे तो सी है यहाँ पे। हमने जो एकोमोडेशन यहाँ लिए एसी कॉटेज में लिए, जिसके लिए हमें 200 मीटर आगे जाना है, तो वहाँ से सी ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, मतलब रूम की बात हो रही है। अदरवाइज़ कॉम्प्लेक्स में तो आप घूमो और इंजॉय करो, बहुत खूब। ये जो आप रूम देख रहे हैं इसका टैरिफ हमने डबल ऑक्यूपेंसी में 2688 दिया है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, टैक्स इंक्लूड है, ठीक है, डिसेंट एकोमोडेशन है। बाहर की तरफ देख लेते हैं, मेरे को लग रहा है बैल्कनी होगी। यहाँ पर बैल्कनी है,
बहुत सारे ट्रीज हैं, सी तो नहीं दिखेगा इस रूम से, ये है कि थोड़ा हाइट पे रहता तो शायद दिख जाता, ये ग्राउंड फ्लोर पे है। चलो कोई बात नहीं, बैल्कनी आपने देख ली, रूम देख लिया। अब एक बार मैं आपको एक हेरिटेज एकोमोडेशन है वो भी बाहर से दिखा देता हूँ, फिर हम लोग डे एंड करेंगे। कन्याकुमारी में शाम के समय टूरिस्ट सनसेट देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। जहाँ पर हम रुके हैं यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सनसेट पॉइंट है, वैसे भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मेनलैंड इंडिया के आखिरी पॉइंट पे खड़े होकर आप सनसेट देख रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया समुद्र के बगल में ही TTDC है। शाम के समय आप किसी भी चट्टान पे बैठ जाओ, आसमान की तरफ देखो, लहरों का आनंद उठाओ, आपको बहुत मजा आएगा। इस समय मैं जिस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है। अगर आप यहाँ पर स्वीट रूम बुक करवाते हैं तो आप इस बिल्डिंग में रहेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो जैसे ये सामने वुडन स्टेयर्स है ना, यहाँ से ऊपर चले जाइए, ऊपर भी रूम है और नीचे की तरफ भी रूम है। सही है, गुड। और आगे चलकर अब आप कन्याकुमारी से आगे देखना स्टार्ट करोगे। हम लोग रामेश्वरम, उसके बाद करईकुड़ी, थंजावुर, मदुरई, ऐसा करके पूरा हम टूर 10 से 12 दिन में करने वाले हैं। आपको फिलहाल ये बाय बाय कर देता हूँ, आज का दिन एंड हो रहा है, कल नया सफ़र, नई जर्नी। थैंक्स फॉर योर टाइम।